हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रुचि वर्मा। वेलकम टू चिली चटपटी किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल लेकर उसे भिगो दिया है। अब हमें चाहिए एक कटोरी चावल भीगे हुए, अनियन जो मैंने बारीक काट ली है, मटर, टमाटर जिन्हें मैंने काट लिया है, अदरक, लहसुन, आलू, ये हैं कुछ खड़े मसाले, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो सबसे पहले मैंने कुकर में घी गरम करके इसमें जीरा ऐड कर दिया है और खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं, मोटी इलायची, तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च। अब मैंने अदरक को ऐड कर दिया है और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि इससे ये जल जाएगी। ये देखिए हल्की हल्की भुन गई है और अब इसमें मैं प्याज को ऐड कर दूंगी। ये देखिए प्याज भुननी शुरू हो चुकी है। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन के पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। अब इन दोनों को भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें सभी मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने मिलाया है इसमें नमक। नमक मिलाने के बाद लाल मिर्च मिला दी है मैंने और अब एक एक करके मैंने सभी मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर। और गरम मसाला। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। लगातार मसाला चलाने के बाद इसने घी रिलीज करना शुरू कर दिया है और अब इसमें मैंने आलू मिला दिए हैं और साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर दी है। अब एंड में मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और चावल ऐड करने के बाद मैंने सारा मसाला चावल में मिला दिया है। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें पानी। एक कटोरी चावल में मैंने यहाँ एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और इससे उबाल आने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया है। सिर्फ एक ही सीटी लगाने पर फ्लेम को हमें बंद कर देना है। ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो गर्मा गर्म चावल आप धनिया की चटनी के साथ सर्व करके खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही चटपटी वीडियोस के लिए देखते रहिए चिली चटपटी किचन।